हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड बाय एसकेबी। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं आखिर कैसे पूरी दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी बढ़ता ही जा रहा है और एक तरफ से रूसिया ने दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल वैनगार्ड अपने सेना में शामिल कर ली है, जो वर्ल्ड वार 3 के लिए और एक कारण है। तो फ्रेंड्स, आइए पूरी विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। फ्लोरिडा में अपने घर पर छुट्टियां मना रहे अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आधी रात को ये जो ट्वीट किया, इसमें एक शब्द भी नहीं लिखा, बस अमेरिका के झंडे को पोस्ट भर कर दिया। दरअसल ट्रंप के इस ट्वीट की क्रोनोलॉजी इराक के बगदाद में अमेरिकी सेना के उस एयर स्ट्राइक से जुड़ी थी, जिसमें उन्होंने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड की विदेशों में काम करने वाली यूनिट क्विड्स फोर्स का जिम्मा संभालने वाले कासिम को अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखता था। बताया जाता है कि पिछले 4 दशकों से सुलेमानी अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए थे, क्योंकि ईरान पर हमले की कई अमेरिकी कोशिश को उन्होंने नाकाम कर दिया था। ईरान के क्विड्स फोर्स के प्रमुख होने के साथ साथ जनरल कासिम सुलेमानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामिनी के बेहद खास थे। आपको बता दें कि ईरान के सबसे लीड फोर्स यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सीधे अयतुल्ला अली खामिनी को ही रिपोर्ट करती है, और ऐसे में उस फोर्स की जनरल को मार देना मिडिल ईस्ट में एक और खूनी जंग की दस्तक है। ये कासिमी थे जो ईरान के लिए पश्चिम एशिया में किसी भी मिशन को अंजाम देते थे। यकीनन उनकी मौत से एक मुल्क के दौर पर ईरान पूरी तरह से जख्मी हुआ है, और सीधे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि जिस विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही थी, अगर वक्त रहते दुनिया सामने नहीं आई तो युद्ध छिड़ सकता है, और यकीनन ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसका असर कच्चे तेल के उत्पादन और सप्लाई पर भी पड़ेगी। तनाव के चलते खाड़ी देशों में होने वाला तेल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, दुनिया के जो देश खाड़ी देशों से तेल का आयात करते हैं, उनकी हालत पतली भी हो सकती है। कम उत्पादन होने पर तेल के दर बढ़ेंगे, जिसके असर से भारत का भी बचना मुश्किल है। अमेरिका के इस हमले के बाद फौरन कच्चे तेल की कीमत $3 प्रति बैरल का उछाला गया। दोस्तों, सिर्फ तेल की कीमतों पर उछाल आया ऐसी बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिका से बदले की आग में जल रहा ईरान के अलावा इराक में भी जनरल सुलेमानी की मौत के बाद गुस्सा दिख रहा है। इराक के सेना भी इस हमले की ना सिर्फ निंदा की है, बल्कि सेना को तैयार रहने को भी कह दिया है। आपको बता दें कि सुलेमानी ने सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामिनी के कहने पर ISIS से निपटने के लिए इराक सरकार की आतंकियों से रणनीतिक तौर पर लड़ने में भी अहम भूमिका निभाई थी। बगदाद को इस्लामिक स्टेट के आतंक से बचाने के लिए उनके ही नेतृत्व में ईरान समर्थक फोर्स का गठन हुआ, जिसका नाम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स था। सुलेमानी अमेरिका के कितने पुराने दुश्मन थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच खूनी जंग में उनकी अहम भूमिका थी। इस युद्ध में अमेरिका ने इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। इस युद्ध में सुलेमानी ने किसी हीरो की तरह उभर कर सामने आए थे। सुलेमानी सीरियाई संघर्ष में प्रेसिडेंट बशर अल असद के सलाहकार के रूप में भी दिखे जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यमन से लेकर इराक और दूसरे मुल्कों तक रिश्तों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया था, ताकि इन देशों में ईरान का असर बढ़ाया जा सके। जाहिर है, उनकी मौत से मिडिल ईस्ट एक बार फिर बुरी तरह से अस्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका ऐसा भी कदम उठा सकता है जो विश्व शांति के लिए खतरा पैदा कर दे। दोस्तों, और एक तरफ से रूसिया ने भी मिसाइल के मामलों में बहुत आगे बढ़ चुका है, और वो अलग अलग किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, और हाल ही में रूसिया ने दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने सेना में शामिल कर ली है, जो अवेनगार्ड के नाम से जाना जाता है, और ये वर्ल्ड वार 3 का और एक कारण बन सकता है। दोस्तों, अगर आप अवेनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके इस मिसाइल के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।